अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, मैं फरहान जावेद और आप अपना फैमिली यूट्यूब चैनल फरहान जावेद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन उसे भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी मैं मौजूद हूँ जातला आज़ाद कश्मीर हट के ऊपर, नया पुल है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और मेरे दाएं जानब पुराना पुल है जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग हमारा मीरपुर से जातला का टूर है बाय रोड, तो साथ में जो जो सिटी आएगी, जो जो बाजार आएगा इंशाल्लाह, रास्ते में जो गाँव आएगा हम उसकी वीडियो भी आपके सामने लाएंगे और वीडियो को मुकम्मल देखने को भी पार्ट मिस नहीं करना इंशाल्लाह, वीडियो बहुत मज़े की होगी। तो अभी करते हैं टूर स्टार्ट, तो फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो व्यूअर्स अपना टूर करते हैं स्टार्ट और अभी मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौक नंबर 1 से हम निकले हैं और रश इधर बहुत काफ़ी है साइडों पर। ये जो सब्जी वगैरह की रेहड़ी है ये भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं और ऐसे ही आगे चलते हैं तो एस्पायर कॉलेज है जो कि बहुत फेमस है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर एक बहुत ही प्यारा और बड़ा शहर है, यहाँ आपको हर किस्म की जो अशिया आपको मिल सकती हैं और सबसे अहम चीज़ ये खूबसूरत की मीरपुर के खूबसूरत बंगले और पम्प्स वगैरह यहाँ पेट्रोल के बहुत ज़्यादा हैं और खूबसूरत बंगले हैं जो वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ही है, इसीलिए इसको मिनी लंदन भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे आपको चौक नंबर 2 नज़र आएगी और ये बैंक की गाड़ी जा रही है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ प्यारी प्यारी कोस्टर वगैरह भी इस वक्त पे आती हैं जो कि शाम 4 बजे जाती हैं कराची टाइम पे। यहाँ मीरपुर में लारी अड्डा भी मौजूद है जिसकी वीडियो हमने पिछली दफ़ा के मीरपुर आज़ाद कश्मीर पे में बनाई थी और वहाँ से यहाँ बस वगैरह चलती है शाम 4 बजे और सुबह कराची पहुँचती है और सुबह 7 बजे दोबारा इधर वापस आती है। तो ये पाक कश्मीर कॉलेज है जो कि बहुत फेमस है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। माशाल्लाह भाई देखो कैसे बाइक चला रहे हैं, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं लेकिन अल्लाह भी है ना। ये टाइल वगैरह की फैक्ट्री है और बहुत बड़ी है माशाल्लाह। ये जो साइड में आपको सब्जी की रेड़ी नज़र आ रही है ये भी बहुत खूबसूरत लुक दे रही है और ये चौक नंबर 2 से हम गुजर रहे हैं। अभी आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रैफिक है ये आगे से थोड़ी कम होगी, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो ट्रैफिक और कम हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी बंदा ना अपने साइड पे गाड़ी हो या बाइक नहीं चलाता, तो अपनी खुद सेफ्टी पाकिस्तान में करनी पड़ती है वरना आपको अपनी साइड पे आग बड़ी मार जाते हैं अक्सर लोग। ये वो रोड है जो कि तकरीबन 1 साल पहले ज़मीन के अंदर बैठ गई थी और अभी तक इसका कोई मसला हल नहीं हो सका, कैसे बैठी थी और ना अभी तक ये ठीक हो चुकी, आप देख सकते हैं ये भी बहुत दुश्वारी पैदा करती है। और लो जी अब हम आपको बताते हैं ये नीचे कोई फैक्ट्री वगैरह तैयार हो रही है, मशीनरी वगैरह लगी हुई है काफी तादाद में और ये सब्जी वाली दुकान जा रही है सारी। और ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर की साइड में जो आपको दुपट्टे नजर आ रहे हैं, अगर किसी को दुपट्टा वगैरह चाहिए हो तो यहाँ से आपको मिल सकता है, ये स्टॉल वगैरह लगे होते हैं साइडों में। आगे चलते हैं, यहाँ अजवा रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत फेमस है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। लो जी मंगला डैम का भी एक व्यू आप देख लें और ऊपर बारिश, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ तो।
मैंने सोचा कि मंगला डैम भी आपको दिखा दूं। अभी हम आपको दिखाते हैं एक प्यारी सी नर्सरी जो कि पौधों से भरी हुई है, और ये पंप है एक, और ये देखें एक खूबसूरत सी नर्सरी जो कि ब्यूटीफुल गमले वगैरह भी पड़े हुए हैं, और मंगला डैम का एक और व्यू आप देख लें इधर से लास्ट व्यू। पानी तो काफ़ी कम हो चुका है, हम साथ साथ वीडियो बनाई है हमने, जब पानी ज़्यादा आया था और पानी जब कम हो गया सब हमने वीडियो बनाई थी, आपने शायद देखी हूँ। लेकिन इस दफ़ा ना पानी बहुत कम आया है, इससे पिछले साल बहुत ज़्यादा था। और अभी हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर को गुड बाय करने लगे हैं इधर से, और आगे हल्का पादोड़ी रोड पर चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस वाले ख्वाब में हड्डी नहीं बने, लेकिन ये हमेशा इंसान को रोकते हैं कभी भी। अब ज़्यादातर तब जब ना हास करके आपको ना कहीं काम जाना हो तो ये हमेशा आपको रोकेंगे, तब गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ये पाकिस्तान का कानून है और यहाँ ऐसे ही होता है, समझ रहे हो ना। तो अभी चलते हैं, हल्का पाद बाज़ार है ये आगे, और ऊपर माशाल्लाह खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश आ रही है, और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए। जो कि गंदम का हाल है ना इस दफ़ा बहुत बुरा है, गंदम बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बाज़ार भी माशाल्लाह बहुत काफ़ी बड़ा है, और मुख्तलिफ किस्म की दुकानें मार्ट्स वगैरह मौजूद है यहाँ भी, और ऑटो शॉप वगैरह सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो वैसे ही आगे कहीं चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ कौन कौन से और बाज़ार है, कौन कौन से और गाँव वगैरह मौजूद हैं। तो अभी हल्का पाद बाज़ार से निकल रहे हैं हम आगे, तो ऐसे ही आगे आगे चलते हैं। यहाँ ना आने वाले का पता है और ना जाने वाले का, यहाँ अपनी हिफाजत खुद करनी है क्योंकि एक रोड है, उधर से आने वाले भी जा रहे हैं और जाने वाले भी। तो ये है कोड जो कि नबीना बच्चों के लिए बनाई गई है स्पेशल, जो कि यतीम हो जाते हैं या और कोई मसला, तो यहाँ वो तमाम बच्चे हैं जो नबीना हैं, और इनको आला किस्म की तालीम भी यहाँ दी जाती है, उनका खास ख्याल रखा जाता है, जिनके लिए टीचर और बहुत से यहाँ टीचर वगैरह का इंतज़ाम किया गया है जो कि इनका ख्याल रखते हैं। तो ऐसे ही आगे चलते हैं, और इधर एक भाई साहब हैं जो कि बहुत ही तेज़ बाइक चला रहे हैं और रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं, अगर ये लग जाएं तो यहाँ गलती भी हमारी होगी क्योंकि हम हमारे साथ लगे। तो ऐसे पाकिस्तान में हाल है। ये आगे मस्जिद है जो कि अभी ज़ाहिर तमीर है, और तमीर नहीं हुई मुकम्मल, काफ़ी टाइम हो गए, एक दो साल हो गए हैं, अल्लाह जानता है, लेकिन ये तमीर नहीं हुई अभी। और ये गर्मियों की सौगात खोए वाली कुल्फी जो कि आपने खाई होगी, आपको पता होगा। यहाँ से मंगला डैम के से नीचे की तरफ चलते हैं, और ये पहाड़ी सिलसिला जो कि बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज मौसम की वजह से ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती हुई है। तो वो सामने ऊपर रोड जो कि मंगला डैम के ऊपर से जा रही है, पीछे आपको बताई थी मैंने, शायद ही आपको नजर आए। वो नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ आगे लोहे की फैक्ट्री है जो कि काफ़ी बड़ी है, जो कि आपको ये नज़र आ रही होगी, और यहाँ लोहे वगैरह को लाया जाता है, पिलाया जाता है। और मैंने अंदर जाके देखा तो नहीं, लेकिन आज तक बाहर से ही देखा, और मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है ये। और ये मस्ट है यूनिवर्सिटी का जो न्यू डिपार्टमेंट इधर बनाया गया है, ये वो है, और काफ़ी ही बड़ी रोड आगे जाती है और फिर जाके मस्ट यूनिवर्सिटी आती है। ये भी कुछ छोटा सा गाँव है हल्काबाद, और काफ़ी छोटा है, कुछ घर इधर मौजूद हैं सिर्फ। ऐसे ही आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मीरपुर से जातना तक का जो भी टूर है, जो भी रोड है, वो हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दिखाएंगे। आगे पहाड़ी सिल्स में और गंदम भी बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो रही है, अगर बारिश हो जाए अल्लाह की नियामत तो काफ़ी मुफीद रहेगी गंदम के लिए भी। ये
और अभी हम वेस्पा पहुंच आए हैं, वेस्पा भी आपको दिखाते हैं, जो कि ये तकरीबन एक साल पहले तो छोटा सा बाज़ार था और अभी काफ़ी बड़ा बाज़ार हो गया। यहाँ ट्रक वगैरह भी खड़े होते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे वो यहाँ ही आके खड़े होते हैं। अल्लाह जानते हैं इनका स्टॉप है यहाँ या क्यों खड़े होते हैं। तो इस साइड पे आपको दिखाएंगे कि ये जो मार्केट बनी है ये न्यू है, कुछ दिन पहले बनी है। और ऐसे ही आगे चलते हैं, यहाँ एक मस्जिद है जो कि कुछ दिन पहले बैठ गई थी, किसी वजह से ख़राब हो गई थी, तो उसे भी दोबारा तमीर कर रहे हैं। और ये वो मस्जिद है, तो ये तमाम मार्केट हैं ये जो न्यू बनी है, काफ़ी टाइम पहले ये नहीं थी। तो आगे चलते हैं, यहाँ एक पुलिस की चेक पोस्ट भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये डेयरी फार्म है जो कि मुर्गियों का फार्म है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा है ये भी। सब्जी फ्रूट वगैरह की दुकानें यहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और लोग छोटा मोटा काम करते हैं इधर। आगे हम अभी पुलिस की चेक पोस्ट से निकल के चादला की तरफ चलते हैं। और ये वो चेक पोस्ट है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और ये इधर से एक रास्ता कलेरी की तरफ जाता है, और ये आगे भीमबरवाही पर की तरफ, और ये पेट्रोल, और ये एक छोटी सी मस्जिद है जो कि बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं। और इधर ये कुछ गाँव है जो कि जोड़ियाँ जो गाँव है उसके साथ मौजूद हैं दूसरी तरफ। और नीचे यहाँ से मंगला डैम की तरफ से जो पानी निकल के आ रहा है जेरी है, ये यहाँ मौजूद है, जो आपको नज़र आ रही होगी ये सीधा जादला नहर में जाकर मिलती है। और कहाँ मिलती है ये आपको हम आगे जाके दिखाते हैं, ट्रक वगैरह। और यहाँ गन्ने का जूस भी मौजूद है, जो कि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा ये चलता है। तो आगे सर्वे स्टेशन है, ये भी काफ़ी बड़ा है और बहुत से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ काम बहुत अच्छा होता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। अभी पास करीब ही जातला बाज़ार है और उसकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ट्रैफिक इधर भी बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की रोडों का हाल, गाड़ी किधर से किधर की तरफ जा रही है, कोई यहाँ कानून नहीं है ना कोई पूछने वाला, यहाँ आपको बस अपनी हिफाजत खुद करनी है। जोड़ियाँ पेट्रोल पंप जो के बहुत मशहूर है, और इस वजह से क्योंकि ये कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, आपको जितना आपको पेट्रोल चाहिए आपको उतना मिलेगा, ना कोई दोनाबरी करते हैं आपके साथ। और ये जोड़ियाँ बाज़ार है जो कि ये भी काफ़ी बड़ा है, जोड़ियाँ बाज़ार से अब हम निकल रहे हैं आगे जातला की तरफ, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बाज़ार है ये भी। ये रोड के दरमियान से बकरियाँ जा रही हैं गुजर के, और ये जो आपको आगे नज़र आ रहा है अल हल्क प्लाजा है, और उसके साथ भी लर्नर स्कूल है जो कि बहुत मशहूर है, बच्चों के लिए कुछ क्लासें यहाँ हैं, 1 to 8 तक क्लासें हैं और बहुत अच्छी स्टडी होती है, ज़्यादातर बच्चे लोग इधर ही दाखिल करवाते हैं। और ये खाना बदोश हैं, और नीचे ग्राउंड है जो कि ज़्यादातर लोग यहाँ ड्राइविंग कार वगैरह की आके सीखते हैं और क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो ये खाना बदोश के कर रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी तादाद में है यहाँ, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी तादाद में है मौजूद है। और ये अलशबाज रेस्टोरेंट का एक न्यू जो है स्टेशन यहाँ बनाया गया है, और कुछ दिन पहले बनाया गया है, इसका इफ्तिताह कुछ दिन पहले हुआ है। और आगे ये जो मैंने आपको बताया था कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर मंगला डैम का जो पानी आ रहा है जातला नहर में, और ये वो आ रहा है, और आगे जाके आपको जातला मैन हेड से आपको क्लियर नज़र आएगा,
अभी हम पहुंच जाए हैं अल शुबाज रेस्टोरेंट के पास से गुजर के जातना आज़ाद कश्मीर में, और अल हालिक होटल जो कि आज़ाद कश्मीर में मीरपुर तक बहुत बहुत दूर तक फेमस है और बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग आते हैं। कुछ अरसा पहले ये जल गया था और इसे दोबारा तमीर किया गया है। मेरे दाएं बाएं जानब आप देख सकते हैं अल हालिक होटल, और ऐसे ही आगे हम चलते हैं। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपके एक सब्सक्राइब से